नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सगे? बड़े इतना आप सब लोग घर पे हैं ना? बस ऐसे ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। लड़ाई हम लोग जीतने ही वाले हैं कोरोना के खिलाफ की, बस हमें डट कर घर पे रहना है। नमस्कार, मैं हूँ मंदार अशोक सांदवड़कर। और मैं हूँ स्नेहल। पिछले 12 साल से आप मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आत्मा दुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी की भूमिका में देख रहे हैं। अभी ये जो मैं भूमिका निभा रहा हूँ वो घर पे बहुत ही ऐसे सिंसियरली चुपचाप, हाँ चुपचाप चुपचाप घर पे बैठे हुए हस्बैंड की भूमिका निभा रहा हूँ, जो कि हर एक को अभी निभानी है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हमारा शुरू हुआ है, चौथा दिन है हमारा, और मेरे ख्याल से यही एक जरिया है जो हम लोग जिससे हम लोग कोरोना को हरा सकते हैं, क्योंकि ये एक छुपा दुश्मन है जो हमें दिख नहीं रहा है, किसी को भी दिख नहीं रहा है। तो उसको हराने के लिए हमें उससे छुपना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे छुप के वार करना कहते हैं ना, बस हम लोग छुपे रहेंगे तो वार अपने आप हो जाएगा। घर में रह के आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं जो इतने सालों में आप जो नहीं कर पाए, जैसे मैंने बहुत सारा खाना बनाया है जो इतने सालों में मैंने नहीं बनाया। हम लोग पत्ते खेल रहे हैं, हम लोग लूडो खेल रहे हैं घर में बैठे बैठे। जो बचपन में मैं पत्तों के गेम खेला करता था, मैं अपने अभी बेटे को सिखा रहा हूँ। काफी सारी चीजें हम लोग घर पे बैठ के जैसे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रियाज कर रहे हैं म्यूजिक का। बिल्कुल, अगर आपको आपने देखा है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि रीडिंग मुझे करने को टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये मौका है रीडिंग करने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने फैमिली के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिता पा रहे, तो ये मौका है आपको समय बिताने का। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिव्या दिव्या दीपत्कार कानी कुंडले मोतीहार, दिव्याला पाहून नमस्कार।